लिपस्टिक के लिए लोगों ने कर दिया निया शर्मा को ट्रोल। कपिल शर्मा ने दिखाया नहीं हुआ है ब्रेकअप। इस टीवी एक्ट्रेस के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है हिमेश रेशमिया। हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रेया और मैं आपको बताने वाली हूं टीवी के टॉप न्यूज। इसके अलावा अगर आपको बिग बॉस के टॉप न्यूज जानने हैं तो आप यहां क्लिक कर सकते हैं। नागिन से घर घर में फेमस मौनी रॉय की हर अदा लोगों को काफी पसंद आती है। तभी तो रिसेंटली उनका एक इंस्टा पोस्ट काफी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने ब्लैक गाउन पहनी है। फिल्म की बात करें तो मौनी रॉय अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड में तो नजर आने वाली है ही, इसके अलावा उन्हें आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र में भी कास्ट कर लिया गया है। तो ये हुई ना मौनी रॉय के फैंस के लिए गुड न्यूज। बॉलीवुड सिंगर हिमेश रेशमिया ने टीवी एक्ट्रेस सोनिया कपूर के लिए अपनी 22 साल की शादी तोड़ दी। इसके बाद अब ये रिपोर्ट आ रही है कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में हैं। इतना ही नहीं बल्कि तलाक होने के कुछ टाइम के बाद अब दोनों शादी करने का फैसला लेने वाले हैं। वेल, इस खबर पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको पता है कि रणबीर कपूर की करियर चेंजिंग फिल्म रॉकस्टार की रियल कास्ट क्या थी? वेल, ये आप जानकर शॉक्ड हो सकते हैं, लेकिन इस फिल्म में पहले जॉन अब्राहम और भाभी जी घर पर है स्टार सौम्या टंडन नजर आने वाले थे। ये बात सौम्या ने खुद पिंक फिला को बताई। वेल, अब हम ये सोच रहे हैं कि आखिर किन रीजंस की वजह से फिल्म के लीड कास्ट को ही चेंज कर दिया गया होगा। अभी कुछ समय पहले ये रिपोर्ट्स आ रहे थे कि कपिल शर्मा और उनकी गर्लफ्रेंड गिन्नी चतुर्थ का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन अब कपिल शर्मा ने इस बात को गलत साबित कर दिया। कपिल अपनी गर्लफ्रेंड गिन्नी के साथ शेरे के मंदिर में नजर आए। दोनों बाबा के दरबार में एक साथ माथा टेकते हुए नजर आए। वैसे इन फोटोज को देखकर तो यही लगता है कि दोनों के बीच सब कुछ सही है। बाढ़मऊ एक्ट्रेस रत्याशा राठौर ने इंस्टा पर रिसेंटली एक सेमी न्यूड फोटो पोस्ट की। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया। इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि अपने स्किन में हैप्पी रहें और ब्रा पहनना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बता दें, रत्याशा शो में एक ऐसी लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही है जो प्लम्प है और उसकी शादी एक काफी फिट लड़के से हो जाती है। रत्याशा ने अपने इंस्टा पोस्ट में अपने शो का जिक्र किया जहां उनकी कमीज रेसलिंग करते हुए फट जाती है। कमीज फटने की वजह से उनकी ब्रा दिख जाती है और लोग उन्हें पनिश करने की बात करते हैं। रत्याशा ने लिखा, ठीक है यार, औरत हूँ, बूब्स हैं, ब्रा पहनती हूँ, थोड़ा दिख गया तो क्या, ठरकी नजरों से मत देखो यार, या देखना है तो घूर के मत देखो, बी थोड़ा डिसेंट गाइस, लर्न टू रिस्पेक्ट वुमेन। क्या आप रत्याशा की बात से अग्री हैं? वेल, हम तो हैं। एशिया की थर्ड मोस्ट सेक्सी वुमेन का खिताब जीतने वाली निया शर्मा रेड कार्पेट पर अपने लुक्स को लेकर छाई रहती हैं। रिसेंटली उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी एक पिक्चर पोस्ट की जिसमें उन्होंने ब्लू लिपस्टिक लगाई थी। नेक्स्ट था ट्रोलिंग। इंस्टा पर कुछ यूजर्स ने निया शर्मा के लिपस्टिक के कलर को लेकर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि किसी ने ये भी कह दिया कि कहीं गलती से निया ने अपने लिप्स पर इंक की बॉटल तो नहीं गिरा ली। निया ने इन ट्रोल्स के जवाब में एक और फोटो पोस्ट की और कैप्शन में लिखा, जस्ट द वे यू वोंट लाइक। इसके बाद जब पिंकफिला ने निया से बात की तो उनका कहना था, लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेयर बोरिंग क्लोथ एंड अप्लाई बोरिंग लिपस्टिक एंड बाय द वे आई लव्ड माय ब्लू लिपस्टिक। इतना ही नहीं बल्कि इन ट्रोल्स पर निया ने ये कहा कि पता नहीं अगली बार जब मैं ग्रीन लिपस्टिक लगाऊंगी तो क्या होगा। वैसे निया की तरफ से ये ट्रोलर्स को करारा जवाब था। आप क्या सोचते हैं? तो ये थे इस हफ्ते टीवी के टॉप न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और पिंकफिला हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।